हेलो हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने वीडियो लाया हूँ गाड़ी के अंदर जीपीएस कैसे चालू करें। ये गाड़ी 2820 है, मैं इसमें आपको बताऊंगा जीपीएस कैसे चालू करें। ठीक है, जीपीएस कैसे चालू करते हैं सब मैं इसमें आपको बताऊंगा। ठीक है, इसमें सबसे पहले जीपीएस चालू करने के लिए जो जीपीएस के साथ वाले जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे इशू होते हैं, ठीक है, चार इशू होते हैं, उन चारों इशू के पार्ट नंबर और सीरियल नंबर चाहिए होते हैं, फिर वो जीपीएस चालू होता है। तो वो पार्ट कहाँ कहाँ लगते हैं मैं इसमें आपको बताऊंगा। सबसे पहले वो पार्ट लगता है डैशबोर्ड, जो किलोमीटर मीटर होता है उसके नीचे वाला पार्ट। ठीक है, मैं उसको खोलने के उसको पार्ट नंबर खोलने के और पार्ट नंबर लेने के लिए सबसे पहले किलोमीटर डैशबोर्ड मीटर निकालेंगे। ठीक है, इसमें मैं आगे आगे आपको सबको एक एक मैं आपको उसको बताता रहूँगा, जो पहले खुलेगा उसमें बताता रहूँगा। तीन मैकेनिक लग रहे हैं डैशबोर्ड खोलने में, मैकेनिक लग रहा है शिवलाल। ठीक है, और ड्राइवर साइड का जो डैशबोर्ड खुल रहा है उसमें मैकेनिक है रामचंद्र। ठीक है, जब ये उन्होंने खोल दिया है, इन्होंने डैशबोर्ड खोल दिया है, एक ये पार्ट नंबर। ठीक है, ये पार्ट नंबर तो चीज है, इसके साथ एक पार्ट नंबर और चाहिए, इसमें भी मैं आपको बताऊंगा। इसके नीचे एक पार्ट और है, उसका नंबर चाहिए। देखना, अब ड्राइवर साइड का ये पार्ट नंबर, एक ये खोल दिया है, एक तो ये पार्ट नंबर चाहिए। ठीक है, एक इसके साथ वाला जो लग रहा है छोटा एल्यूमिनियम का, वो पार्ट नंबर चाहिए। एक अलग अलग मैकेनिक खोल रहा है, तो मैं इसमें आपको बताता रहूँगा इसका। ठीक है, ये दोनों पार्ट नंबर, दो पार्ट तो ये हो गए, एक पार्ट उसका डैशबोर्ड जो मीटर किलोमीटर है उसके नीचे लग रहा है, वो भी मैं आपको बताऊँगा। इसमें टोटल चार पार्ट होते हैं, इन चारों पार्ट नंबर को मिला के फिर इसका एक फ़ोन पे प्ले स्टोर पे एक ऐप आता है आई अलर्ट, उस ऐप पर जाके उसको रजिस्ट्रेशन करके अपना जीपीएस चालू कर सकते हैं, वो भी मैं आपको पूरा बताऊंगा। अब उसके अंदर वाला जो मीटर के अंदर एक और पार्ट लगा था उसका नंबर भी ले रहे हैं। ठीक है, उसके नंबर अपन ले रहे हैं, देखना ये शिवलाल ले रहा है, शिवलाल बबलू भाई दोनों इसमें चेक करेंगे। इसके पार्ट नंबर लेके चारों पार्ट नंबर को अपन फिर आई अलर्ट जो अशोक लीलैंड का जो है ऐप है उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन करने से अपने फ़ोन के ऊपर वो चल जाएगा। ये इसके पार्ट नंबर आ गए। ठीक है, वो जो मीटर डैशबोर्ड के नीचे जो पार्ट लग रहा था उसके पार्ट नंबर ये। ठीक है, सब ये बोश के लगे हैं, बोश कंपनी के पार्ट है ये सब। और जीपीएस के अंदर चार पार्ट होते हैं। ठीक है, चारों पार्टों को मिला के ये किया जाता है, इसका रजिस्ट्रेशन किया जाता है, इसको लगा दिया है। ठीक है, सबके पार्ट नंबर ले लिए हैं, देखना एक पार्ट नंबर और जो बाकी है वो उसके नीचे फ्यूज जो है ना मेन उसका लेना पड़ेगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ये देखो ये इसको वापस फिट कर रहे हैं, पार्ट नंबर अपन ने ले लिए तो इसको वापस फिट तो करेंगे, पार्ट नंबर लेने के लिए इसको खोला था। ठीक है, इसमें मैं आपको बताऊंगा, ये पार्ट नंबर ले रहे हैं, इसमें देखो ये खुल रहे हैं, वापस फिट कर रहे हैं। ठीक है, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये जो सब पार्ट हैं इन पार्ट नंबर को एक असेंबल करके फिट करके अपना फ़ोटो लेके फिर जो प्ले स्टोर पे एक लीलैंड का ऐप है आई अलर्ट पे जाना है। ठीक है, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी वो देख लो नीचे वाला ये जो बॉक्स है इसका भी पार्ट नंबर ले रहे हैं अपन। ठीक है, ये खुलेगा तब तक मैं आपको बताऊंगा। आई अलर्ट पे जाना है और आई अलर्ट को अपने को फ़ोन में इंस्टॉल करना है, आई अलर्ट अशोक लीलैंड उसको फ़ोन में इंस्टॉल करना है। ठीक है, ऐप को फिर उसको वो बोलेगा यूज़र आईडी और पासवर्ड, यूज़र आईडी में अपने मोबाइल नंबर डालना है जो मोबाइल नंबर रजिस्टर हो। ये देखो फ्यूज खुल गया, इसके भी पार्ट नंबर अपन ने ले लिए। ठीक है, उसका मोबाइल नंबर जो रजिस्टर कर रखे हैं वो अपन को मोबाइल नंबर लेने वो डालने। अब अपन को पासवर्ड पता नहीं है तो उसको फॉरगेट पासवर्ड करना है, वो भी मैं आपको पूरा आगे बताऊँगा इसमें। तब तो खुले तब तो देखो पूरी फिटिंग चल रही है, वापस सब पार्ट नंबर अपन ने ले लिए और ये फिटेज चल रहा है वापस। ठीक है, देख लेना जो अपन ने ये देखो ये वापस फिटेज चल रहा है, फिटिंग का काम चल रहा है, उसका पार्ट नंबर ले लिया। अब जो अपन ने उसको पासवर्ड पता नहीं, उसको फॉरगेट पासवर्ड करना है, फॉरगेट पासवर्ड करना है, नंबर अपने को मोबाइल साथ रखना है जिसको मैं फॉरगेट पासवर्ड करके अब मैं आपको बताऊंगा क्या क्या करना है, कैसे नहीं आ रहा वो मैंने फोटो डाल रखे ये प्ले स्टोर पे दे रखा है ये। ठीक है, फिर यूज़र नेम और पासवर्ड, यूज़र नेम में फ़ोन नंबर डालना है, उसको फॉरगेट करना है, टर्म्स एंड कंडीशन दे रखा है, उसमें हेल्प में जा कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से अपन को फॉरगेट पासवर्ड करना है, फिर अपन इंस्टॉल